वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मौसम के हिसाब से आज हम चट पट खतरनाक सा पोटैटो यानी आलू का सूप बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पॉट है जो कि प्री हीट हो रहा है मीडियम हाई पे। इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल, गर्मा गर्म है, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन और 1 लार्ज प्याज यानी अराउंड 1.5 कप के आसपास चौपकी हुई प्याज, और साथ ही हमारे पास है 1 लार्ज बेल पेपर जो मेरी रेड है। अगर आप चाहें तो ग्रीन भी ले सकते हैं, मेरे पास रेड थी तो मैंने रेड ले ली। इसको अब हम सॉटे करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 1 टीस्पून के आसपास नमक, और 1 टीस्पून के आसपास फ्रेश कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई कुटी हुई फ्रेश होगी तो मज़े की लगेगी। देखिए हमने इतना प्री हीट किया हुआ था पतीला कि कैसे झटपट सॉटे हो गई। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास मैंने छिलका निकाल के आलू धो के रखा हुआ। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर, इससे क्या है एक अच्छी सी क्रीमीनेस आएगी। अगर हो तो डाल दें, अदरवाइज स्किप करें। अब यहाँ देखें हमारे पास है 4 कप गर्मा गर्म पानी। इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून चिकन का पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब ले लें 8। तो ये बेसिकली हमारा बन गया चिकन ब्रॉथ। और अगर आपके पास चिकन स्टॉक रखा हुआ है तब आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इतना कन्वीनियंट है और इतना मज़े का हो जाता है। तो अब ये हम डाल देंगे अपने आलूओं में। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून मैदा। अब इसको हम कवर कर देते हैं और कुक करेंगे अराउंड 10 से 12 मिनट जब तक कि हमारे आलू बड़े अच्छे से टेंडर ना हो जाए। और चूल्हा हमारा है मीडियम हाई। तो चले मिलते हैं 10-12 मिनट में। देखिए 15 मिनट के आसपास हो गए हैं, खुशबू शानदार आ रही है, खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। ये देखिए अभी से कितना क्रीमी क्रीमी लग रहा है। तो ये अब हम हाथ से थोड़ा से देखें यू पोटैटो को और भी मैश कर देंगे और चूल्हे को कर देंगे मीडियम लो। अच्छा इस पॉइंट पर ये देखें ये चंकी टाइप का थोड़ा सा है, तो अब डिपेंड्स है कि किसी को चंकी पसंद है तो ये रेडी टू गो है, और अगर चंकी नहीं पसंद है थोड़ा सा क्रीमी और क्रंच जैसे मुझे पसंद है चंकी, तब क्या करेंगे इसमें हम डालेंगे 2 कप दूध और इसे हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। तो इससे क्या होगा क्रीमी क्रीमी और हो जाएगा, पोटैटोज़ जो है वो थोड़े थोड़े चंकी रहेंगे और बाकी जो है वो स्मूथ से हो जाएंगे। तो हैंड ब्लेंडर ले लें, ग्राइंडर ले लें, किसी भी चीज़ से आप इसको पीस सकते हैं। तो ये देखें मैंने हाफ पतीले में किया है और हाफ में नहीं किया है, तो इससे क्या होगा एक कंसिस्टेंसी जो है चंकी की रहेगी और एक स्मूथ की रहेगी। चलो इसको हिलाते हैं। तो ये देखें बहुत अच्छा सा टेक्सचर हो गया है। अब इसे हम कवर करके और 5 मिनट के लिए मीडियम पे पकाएंगे। तो चूल्हा हम कर देते हैं मीडियम पे। तो मिलते हैं 5 मिनट में।
देखे सूप की खुशबुएं शानदार चारों तरफ आ रही है, चूल्हे को करते हैं बंद और आपको खुशबू देते हैं। 1 2 3 सर्दियों में घर में हर एक के पास आलू होता है और आलू सबको बहुत पसंद होता है, और ये सूप जब आप बनाएंगे और पिएंगे ना, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, ऐसा रिच और क्रीमी। ये देखिए ये जो हमने चंकी रखा था ना थोड़ा सा, ये आपने नजारा देखा चंकी का। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी चीज, अगर आप डालना चाहे तो ये मेरी 3 ब्लेंड है, थोड़ा सा कुछ भी क्रंच आपके पास, जैसे चीटोज रखे हुए, हार्ट चीटोज है, ये डोरिटोज है, या जो भी आपके घर में है वो थोड़ा सा इसका क्रंच। और थोड़ी सी हरी प्याज का हरा पार्ट, इससे एक फ्लेवर भी आएगा, कलर भी आएगा। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हॉट सॉस, मेरा तपतियो है, आप कोई भी डाल सकते हैं चिली सॉस। और साथ ही थोड़ी सी फ्रेश काली मिर्च। आहा, तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा मौसम के हिसाब से परफेक्ट पोटैटो सूप बन गया, मानते हैं? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। माइंड ब्लोइंग। आप लोग को अंदाजा नहीं है कि आप लोग क्या मिस कर रहे हैं, आप लोग के लिए तो बाइट बनता है। खतरनाक ऐसा लग रहा है, इतना हाई फाई, जबकि हमने इसमें कुछ चीज़ें भी नहीं डाली है, लेकिन खाने से ऐसा लग रहा है रिच क्रीमी मज़ेदार सुपर फ्लेवर टेक्सचर बनाना बनता है। तो जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, मार्केट हिला दें इतनी चीपर आइटम में इतना थोड़ा सा घर में से कुछ भी लेके, और आप बनाएंगे तो लगेगा कि आप लोगों ने क्या बना डाला है, अब मुझे याद रखेंगे। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।